हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशु रंजन। टुडे आई केम अप विथ रिवीजन लेक्चर ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग, और ये गवर्नमेंट अकाउंटिंग का पार्ट 4 है। मैं फर्स्ट पार्ट में गवर्नमेंट अकाउंटिंग के बारे में बताया था, उसका फीचर्स के बारे में बताया था, और डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट अकाउंटिंग कमर्शियल अकाउंटिंग के बारे में बताया था। सेकंड पार्ट में हम लोग डिस्कस किए थे CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे, और अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, जो अकाउंट्स का है ना गवर्नमेंट का, इस कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड्स ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट, उसके बारे में डिस्कस किया था, वो मैं पार्ट 2 में किया था। पार्ट 3 में हम लोग डिस्कस किए थे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया क्या होता है, उसका फीचर्स, उसका फंक्शंस, रोल उसका क्या है भारत में, उसका टेन्योर, उसको टेन्योर कितना है, उसका अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, उसको क्या बोला जाता है, इस सब के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और ये पार्ट 4 है गवर्नमेंट अकाउंटिंग का। सो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में। सो फ्रेंड्स, नाउ वी विल स्टार्ट पब्लिक अकाउंट कमेटी। द पब्लिक अकाउंट कमेटी इज ए कमेटी ऑफ सेलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होता है वो सेलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा कमेटी बनाया जाता है, एस कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पब्लिक अकाउंट कमेटी एक कमेटी है, वो सेलेक्टेड मेंबर है ना, उन्हीं ये बनाया गया है पब्लिक अकाउंट कमेटी। जैसे कि लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, तो उसमें से बोला गया, यहाँ पे बोला गया पब्लिक अकाउंट कमेटी में कि 22 मेंबर्स होंगे, उसमें 15 मेंबर्स को सिलेक्शन किया जाएगा फ्रॉम द लोकसभा, और 7 मेंबर को इलेक्शन इलेक्ट किया जाएगा वहाँ से, राज्यसभा से, 15 फ्रॉम लोकसभा एंड 7 फ्रॉम राज्यसभा। और यहाँ पे ये भी बोला जाता है कि जो भी मिनिस्टर होता है ना, कैबिनेट मिनिस्टर या कोई भी मिनिस्टर, वो यहाँ पे एज ए मेंबर नहीं बन सकते, क्योंकि अगर आप यहाँ पे मेंबर बनते हैं तो फिर वहाँ पे मिनिस्टर बनेंगे तो यहाँ पे बिजनेस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चेकिंग होता है, वो आपको लेटर स्टेज में आप लोग को मैं डिस्कस करूंगा। सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे इन द इंडियन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस द लेजिस्लेचर हैज द पावर टू इंश्योर दैट द अप्रोप्रिएटेड मनी इज स्पेंट इकोनॉमिकली, जुडिशली एंड सो द पर्पस ऑफ इच इट एज सैंक्शन इवेंट हाउ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया टू ऑडिट द अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट द प्रोप्राइटरी ऑफ मनी स्पेंट रिपोर्ट इज फर्दर एग्जामिन्ड बाय द स्पेशल कमिटी। जैसे कि बोलता है ना कि कोई भी एक्सपेंडिचर करता है गवर्नमेंट या मिनिस्टर कोई भी करता है, तो उसको CNDG तो चेकिंग करता ही है, बट CNDG सबसे ऊपर है, नहीं CNDG सबसे ऊपर नहीं है, CNDG को भी चेक करेगा पब्लिक अकाउंट कमेटी। यहाँ पे देखिए क्या बोला है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया टू ऑडिट द अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, ऑडिट करता है टू इंश्योर द प्रॉपर्टी ऑफ द मनी स्पेंट, मतलब जो मनी स्पेंट किया उसको चेकिंग करेगा CNDG। तो इट्स रिपोर्ट इज फर्दर एग्जामिन्ड, ये जो CNDG का जो रिपोर्ट होता है उसको फर्दर एग्जामिन किया जाएगा बाय द स्पेशल कमेटी, जो स्पेशल कमेटी है इसी को पब्लिक अकाउंट कमेटी बोला जाता है, ऑफ द पार्लियामेंट इज नोन एज पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है। द कमिटी इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जामिनिंग द अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आर थ्रूली एग्जामिन्ड एंड इंश्योर दैट द पार्लियामेंट्री लिमिट आर नॉट ब्रीच्ड, इट एग्जामिन द रिपोर्ट ऑफ अकाउंट्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट सबमिटेड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो रिपोर्ट सबमिट करेगा ना आफ्टर ऑडिटिंग ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, वो जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है वो उसको रिव्यू करेगा, चेकिंग करेगा, क्या बोलता है ना यहाँ पे, इट एग्जामिन द रिपोर्ट ऑफ अकाउंट्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट सबमिटेड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया टू द प्रेसिडेंट फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिटिंग ऑफ द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। द पब्लिक अकाउंट कमेटी इन इंडिया दस इंश्योर पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, पार्लियामेंट्री कंट्रोल, CNDG सबमिट कर देता है प्रेसिडेंट से, और प्रेसिडेंट से पब्लिक अकाउंट कमेटी, जो पार्लियामेंट में जो प्रेसिडेंट बैठते हैं तो वहाँ पे पब्लिक अकाउंट कमेटी को देंगे और वहाँ पे वो रिव्यू करेगा। पब्लिक अकाउंट कमेटी वॉज फर्स्ट सेटअप इन 1921। ये जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है वो पहली बार भारत में 1921 में सेटअप किया गया था अंडर द मोंटेग्यू चेलम्सफोर्ड रिफॉर्म। मोंटेग्यू चेलम्सफोर्ड रिफॉर्म था, मतलब क्या होता है मोंटेग्यू चेलम्सफोर्ड रिफॉर्म, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो भारत में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में जो आया था उसी को बोला गया है मोंटेग्यू चेलम्सफोर्ड रिफॉर्म, मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1999 जो लेकर आया था ना वो मोंटेग्यू उसमें था, भारत का वायसराय था, वायसराय ऑफ इंडिया था, और जो चेलम्सफोर्ड था वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, समझे। इसलिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है उसी को मोंटेग्यू चेलम्सफोर्ड रिफॉर्म बोला जाता है। और ये जो
पहली बार जो भारत में जो पब्लिक अकाउंट कमेटी बना वो 1921 में बना, और इस और जो उसमें का जो मोंटेग्यो था भारत का वायसराय था उसके अंदर, और चेरन्सफोर्ड था भारत का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, उसी के अंदर में बना था। ठीक है, द बेसिक फंक्शंस ऑफ द कमेटी हैड बीन टू इंश्योर दैट द एक्सपेंडिचर हैड बीन इनकर्ड बाय द इंटेंडेड पर्पस। यहाँ पे कुछ मेन पॉइंट दिया है, हाँ यहाँ पे इट इज फॉर्म्ड एवरी ईयर। ये जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होता है ना वो हर साल बनाया जाता है। इट इज फॉर्म्ड एवरी ईयर विथ ए स्ट्रेंथ ऑफ नॉट मोर देन 22 मेंबर्स। हर साल बनाया जाएगा और मेंबर मैक्सिमम इसमें 22 मेंबर्स होंगे, और 15 मेंबर इसमें लोकसभा से इलेक्शन इलेक्ट किया जाएगा, जो कि लोकसभा को लोअर हाउस बोला जाता है, और 7 मेंबर यहाँ इसमें 7 मेंबर्स आर फ्रॉम राज्यसभा से लिया जाएगा, राज्यसभा को अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बोला जाता है। और इसका जो ड्यूरेशन होगा, जिसको इसका टेन्योर होगा, वो 1 सालों के लिए होगा। 1 साल के लिए आप पब्लिक अकाउंट कमेटी में एज ए मेंबर आप बन सकते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी मतलब वही कितना लोग होते हैं, कहाँ से आते हैं सब। द कमेटी कंसिस्ट ऑफ 22 मेंबर्स, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बट यहाँ पे फिर से रिपीट किया है। द कमेटी कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 22 मेंबर्स होते हैं, 15 मेंबर इलेक्टेड बाई लोकसभा एवरी ईयर, एंड फ्रॉम अमंगस्ट दिस मेंबर्स अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड नॉट मोर देन 7 मेंबर फ्रॉम राज्यसभा इलेक्टेड बाई द हाउस इन मेनी माइनर माइनर आर एसोसिएटेड विद द कमेटी, दस द प्रेस द प्रेजेंट पब्लिक अकाउंट कमेटी ज्वाइंट कमेटी ऑफ द टू हाउसेस। ठीक है, पूरा मैं पैराग्राफ डिस्कस यहाँ पे कर चुका हूँ बट आपको ये समझ पक्का नहीं समझ आया होगा। यहाँ पे कि जो 15 मेंबर जो सिलेक्शन होता है ना, मतलब इलेक्टेड होता है, 15 मेंबर इलेक्टेड बाय लोकसभा एवरी ईयर बाय इट्स मेंबर अकॉर्डिंग टू इस प्रिंसिपल। यहाँ से आपको पक्का समझ नहीं आया होगा, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे देखिए, कोई भी पर्सन एज ए मेंबर बनने के लिए अपना नॉमिनेशन दिया, ठीक है, अगर 4 पर्सन अगर नॉमिनेशन दिया पब्लिक अकाउंट कमेटी में एज ए मेंबर बनने के लिए, ठीक है, तो 4 मेंबर में कम से कम एक मेंबर ऐसा होना चाहिए जिसका मोर देन 50% उसका वोटिंग होना चाहिए उसके फेवर में। सपोज डेट ए बी सी डी 4 लोग खड़े हुए, ठीक है, तो 4 लोग से कम एक पर्सन ऐसा होना चाहिए जिसको मोर देन 50% उसको वोट मिलना चाहिए। ठीक है, पहला राउंड इलेक्शन हुआ, पता चला कि किसी को भी 50% वोटिंग नहीं मिला तो कोई भी नहीं बनेगा मेंबर। तो उससे क्या होगा ना कि जो 4 लोग थे, ठीक है, 4 लोग में से जो फोर्थ नंबर के लोग, जो फोर्थ नंबर का जो मेंबर होंगे जिनका सबसे कम वोट मिलेगा ना, वो ऑटोमेटिक उसको आउट कर दिया जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक उसको आउट कर दिया जाएगा, और जो फोर्थ नंबर में जो आउट कर दिया जाएगा उसको जो सबसे कम वोट मिला था, तो ये देखा जाएगा कि जिसको सबसे कम वोट मिला तो फर्स्ट प्रेफरेंस था कुछ मेंबर के लिए, ठीक है, बट इन केस उसका सेकंड प्रेफरेंस क्या था, जो लोग वोट करेंगे ना वो 4ों मेंबर को प्रेफरेंस देंगे कि हाँ मैं फर्स्ट प्रेफरेंस ए को देता हूँ, सेकंड प्रेफरेंस मैं बी को देता हूँ, थर्ड प्रेफरेंस मैं सी को देता हूँ, फोर्थ प्रेफरेंस मैं डी को देता हूँ। तो फर्स्ट प्रेफरेंस था डी उसका, जो लोग थे फर्स्ट प्रेफरेंस डी था, तो फर्स्ट प्रेफरेंस डी था मगर उसका सबसे कम वोट मिल जाने से उसको तो आप वहां से तो रिमूव कर दिए। तो ये देखेंगे ना कि उसका जो वोटिंग हुआ था फर्स्ट प्रेफरेंस में, तो ये जानते कि उसको फर्स्ट प्रेफरेंस मिला था मगर उसका ओवरऑल तो उसका वोटिंग सबसे कम मिला ना, तो इसलिए वहां से उसको हटा दिया गया। तो ये जानते हैं कि उसको जो सबसे कम वोट मिला था तो उसके बाद जो उसको जो वोट किए थे तो उसके बाद उसको कौन सा आदमी, जैसे कि फर्स्ट प्रेफरेंस समझ रहे होंगे, फर्स्ट प्रेफरेंस था इसका, ठीक है, मगर इसको वोट कम मिला इसलिए इसको हटा दिए, और हर एक मेंबर वोट करेंगे 4 लोग को, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, फोर्थ प्रेफरेंस, ठीक है। तो इसके बाद किसको ज्यादा प्रेफरेंस दिया गया, ए को दिया गया, बी को दिया गया, सी को दिया गया, ठीक है, अगर बी को दिया गया, बी को या ए को, तो ये देखेंगे कि बी को अगर या ए को दिया गया, अगर ए को दिया गया, अगर बी ए को इसका वोट मिला करके, मतलब इसका सेकंड प्रेफरेंस इसका मिला करके अगर इसका मोर देन 50% हो जाता है तो ए को मेंबर बनाया जाएगा, इसी को सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बोला जाता है। और जो भारत का जो प्रेसिडेंट, भारत का जो प्रेसिडेंट है ना, राष्ट्रपति, उनका जो सिलेक्शन या अपॉइंटमेंट या इलेक्शन होता है ना वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू ही होता है।
ठीक है, मैं आपको इतना कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप अच्छे से जाने हर चीज़ के बारे में। और जो अभी जो भारत का जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है वो दो हाउसेस का कमेटी है। कहता था चेयरमैन इज अपॉइंटेड बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा। जो चेयरमैन होता है ना पब्लिक अकाउंट कमेटी का, उसका अपॉइंटमेंट बाय द उसका अपॉइंटमेंट करेगा स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, फ्रॉम एमंग इट्स मेंबर ऑफ लोकसभा सिंस 1967 से द चेयरमैन ऑफ द कमेटी इज इलेक्टेड बाय द अपोजिशन। जैसे कि भारत में अभी अपोजिशन पार्टी है कांग्रेस, वो अपॉइंट करता है। अभी हमेशा अपोजिशन पार्टी चेयरमैन अपॉइंट करेगा, 1967 से ऐसा चलता आ रहा है। कहता है हाउ एवर इट इज टू बी नोटेड दैट मेंबर इज नॉट नॉट इलिजिबल टू बी इलेक्टेड एज ए मेंबर, सॉरी ए मिनिस्टर, जो मिनिस्टर होंगे ना, मिनिस्टर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। मिनिस्टर कभी भी बन ही नहीं सकता है मेंबर ऑफ कमेटी, क्योंकि बनेगा तो फिर चेकिंग कैसे करेगा? तो चेकिंग करता है मिनिस्टर सीएनडीजी का रिपोर्ट को, सीएनडीजी रिपोर्ट ही, जो सीएनडीजी रिपोर्ट देगा वो रिपोर्ट ही देता है मिनिस्टर और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर का। तो खुद मेंबर रहेगा, खुद मेंबर रहेगा मिनिस्टर, तो वो तो वाइसनेस आ जाएगा। इसलिए कोई भी मिनिस्टर यहाँ पे मेंबर नहीं बन सकता। इफ ए मेंबर आफ्टर हिज इलेक्शन टू द कमिटी इज अपॉइंटेड एज मिनिस्टर, अगर कोई मेंबर है, ठीक है, मेंबर बना हुआ है पब्लिक अकाउंट कमेटी में, बट इन लेटर स्टेज उसको अगर मिनिस्टर बनाया दिया जाता है तो ही सीसेस टू बी ए मेंबर ऑफ द कमिटी। जिस दिन वो मिनिस्टर बन गया लोकसभा या राज्यसभा से, ठीक है, उसी दिन इसको जो मेंबर का ऑफिस है ना, मेंबर इन पब्लिक अकाउंट कमेटी में, उसको मेंबर का पद छोड़ देना पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ सच अपॉइंटमेंट। जिस दिन बनेगा मिनिस्टर उसी दिन ए मेंबर नहीं, मेंबर नहीं माना जाएगा। हम लोग आते हैं रोल ऑफ पब्लिक अकाउंट कमिटी। पब्लिक अकाउंट कमिटी का रोल क्या है? पहला रोल इसका रोल रिगार्डिंग एग्जामिनेशन ऑफ सीएनडीजी रिपोर्ट। ये जो सीएनडीजी रिपोर्ट जो देता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, इसको चेकिंग करता है। रोल रिगार्डिंग एग्जामिनेशन, इसको एग्जामिन करेगा ऑफ सीएनडीजी रिपोर्ट को। इसका सेकंड रोल है रोल रिगार्डिंग अनऑथराइज एक्सपेंडिचर और एक्सेस एक्सपेंडिचर। ये भी चेकिंग करेगा कि अनऑथराइज एक्सपेंडिचर मीन्स फालतू एक्सपेंडिचर तो नहीं हो रहा है या ज़्यादा एक्सपेंडिचर तो नहीं हो रहा है, ये चेकिंग करता है, ये एग्जामिन करता है। रोल रिगार्डिंग स्पेंडिंग ऑफ मनी बाय मिनिस्टर, ये भी चेक करेगा कि जो मिनिस्टर लोग होते हैं वो फालतू का पैसा खर्च तो नहीं कर रहे हैं, या खुद का पैसा इन्वेस्ट कर भी नहीं रहे हैं, या कहीं पे सोशल वेलफेयर कर भी नहीं रहे हैं और दिखा रहे हैं कि हाँ मैं सोशल वेलफेयर कर दिया, ये भी यहाँ पे एग्जामिन करेगा। स्क्रूटनाइजिंग द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन और स्क्रूटनाइजिंग द वर्किंग प्रोसेस ऑफ मिनिस्टर एंड पब्लिक कॉरपोरेशन, सेम थिंग यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मिनिस्टर का खर्च कहाँ किया है, कितना खर्च किया है, भी यहाँ पे एग्जामिन करेगा और सीएनडीजी का रिपोर्ट को एग्जामिन करेगा। सो फ्रेंड्स, पब्लिक अकाउंट कमिटी इज कंप्लीटेड। और ये वाला जो वीडियो था ये पार्ट फोर था गवर्नमेंट अकाउंटिंग का, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर इज कंप्लीटेड। टुमारो आई विल अपलोड पार्ट फाइव, उसमें होगा GAASB मीन्स गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एडवाइस रिपोर्ट, वो मैं कल डिस्कस करूँगा। सो टुडे मैं यहीं तक रखता हूँ। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज देन प्लीज़ लाइक माई वीडियोज एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।